Subscribe to Movie Talkies and click on the bell icon for latest updates. Kunal, Mohit, पहले तो बहुत बहुत मुबारकबाद फिल्म को काफी अच्छे ट्रेलर को बहुत अच्छे रिस्पांस आ रहे हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे? Thank you. जी बहुत हमारे लिए बहुत बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है कि जिस तरह का रिस्पांस ट्रेलर को मिल रहा है. हम जहाँ भी जाते हैं, जहाँ भी लोगों से मिलते हैं, सब लोग कहते हैं कि ट्रेलर देखा और ट्रेलर बहुत ही बेहतरीन लग रहा है. और हमारे लिए बहुत गर्व की बात है कि ये इस तरह की कहानी जो हमारे इतिहास की बहुत ही अहम कहानी है, जिसका हमारे आज़ादी में बहुत बड़ा हाथ रहा है, इस कहानी का, इस INA ट्रायल का और रेड फोर्ट ट्रायल का, तो उसकी हम एक हिस्सा बन पाए हैं. तो हमारे लिए बहुत गर्व की बात है कि हम इस पिक्चर का हिस्सा हैं. अच्छा जी, अब ये क्यों चूज़ किया? क्योंकि जब मैंने स्क्रिप्ट पढ़ी, मेरा पहला एक्चुअली रिएक्शन था कि इसके ऊपर पहले किसी ने पिक्चर क्यों नहीं बनाई, क्योंकि ये इतनी कमाल की कहानी है. इसमें सब कुछ है जो एक अच्छी कहानी में होना चाहिए. वॉर ड्रामा है, एक कोर्टरूम ड्रामा है, इमोशंस के बारे में है, रोमांस है, ब्रोमांस है, सब कुछ जो एक अच्छी पिक्चर में होना चाहिए वो सब है. लेकिन उसके अलावा मुझे लगता है कि हमारे जो हिस्ट्री है उसका जो सबसे अहम पन्ना है वो इंडियन नेशनल आर्मी की फॉर्मेशन और उसके बाद जो रेड फोर्ट ट्रायल्स हुआ था वो है. और मुझे बहुत आश्चर्य होता है कि आज तक इसके ऊपर किसी ने पिक्चर नहीं बनाई है. मुझे बहुत आश्चर्य होता है कि हमारी जो हिस्ट्री की किताबें हैं उसमें इसका बहुत कम ही मेंशन है. तो मैं उम्मीद करता हूँ कि इस पिक्चर के ज़रिए लोगों को पता चलेगा कि इंडियन नेशनल आर्मी, सुभाष चंद्र बोस का क्या कॉन्ट्रीब्यूशन था हमारी आज़ादी में. अगर आप ब्रिटिश इंटेलिजेंस की रिपोर्ट्स पढ़ें तो सब कहते हैं कि इंडियन नेशनल आर्मी का बनना सबसे बड़ी बात थी जिसकी वजह से अंग्रेज़ छोड़ के चले गए थे, लेकिन इसके बारे में हमें बहुत कम पता है. तो ये स्क्रिप्ट जैसे ही आई, हम दोनों ने जैसे ही पढ़ी, हमने कहा कि हम करना चाहते हैं, क्योंकि इतनी कमाल की कहानी थी और ये बड़े पर्दे के लिए बनी है कहानी. और इसमें आई वुड लाइक टू ऐड कि इसके अंदर एक बात और थी कि ये स्टोरी जो इतना बड़ा कंट्रीब्यूशन रही है इंडिया की इंडिपेंडेंस के लिए, इस कहानी को हमने ना स्कूल में पढ़ा, ना किसी को इसके बारे में बताया गया. ये कहीं पे ऐसा लगा कि कहीं पे जान के इस कहानी को छुपाया हुआ था, क्योंकि एक ऐसी कहानी जिसमें 50,000 सोल्जर जिनने इंडिया की आज़ादी के लिए काम किया, जिसमें 26,000 मरे, दैट वॉज़ अ बिग 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 कॉन्ट्रीब्यूशन. और हमें इसके बारे में कुछ पता ही नहीं. तो यू नो, जैसे जब हमने स्क्रिप्ट पढ़ी हम तो थोड़े शर्मिंदा से हो गए कि इतनी बड़ी कहानी है और किसी को इसके बारे में पता ही नहीं. तो वी थॉट के इस कहानी के साथ जुड़ना बहुत ज़रूरी है कि आप इसका एक मैसेंजर बन के इस कहानी को लोगों तक पहुँचाएं. और वो हमारी गुड लक थी कि कहानी वैसी इतनी एंटरटेनिंग थी. ये जो हिस्ट्री में जिस तरह एक कहानी मेंशनड है उसमें खुद में इतना ड्रामा था कि हमें इसमें कोई मसाला या कोई कॉन्ट्रोवर्सी जो थी वो डालनी नहीं पड़ी. सो आई थिंक इट्स अ प्रिविलेज टू बी अ पार्ट ऑफ दिस फिल्म. अभी हाल ही में राष्ट्रपति भवन में भी पार्लियामेंट के जी बिल्कुल. ओ जी, बहुत ही कमाल का एक्सपीरियंस था. मुझे लगता नहीं कि उस तरह का एक्सपीरियंस पिक्चर से जुड़कर कभी पहले तो ऑब्वियसली नहीं मिला मुझे, लेकिन उसका पता नहीं अगर मौका फिर से मिलेगा कि नहीं. और मुझे लगता है हम सबके लिए बहुत सौभाग्य की बात है. बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया. बहुत ही वार्म थे प्रेसिडेंट प्रणब मुखर्जी. और वहाँ पर सिर्फ वही नहीं, बहुत सारे दिग्गज पॉलिटिशियन भी थे और सबको पिक्चर बहुत पसंद आई. तो हमारे लिए बहुत सौभाग्य और ऑनर की बात है. प्रेसिडेंट की तरफ से कोई वर्ड ऑफ एप्रिसिएशन कुछ कहा हो फिल्म के बारे में? जी नहीं, एक्चुअली पिक्चर देखने के बाद उनसे मिलने का मौका नहीं मिला मुझे, तो उनसे बातचीत नहीं हो पाई. पर वहाँ पे ज़रूर जो है, इनके अलावा जो कैरेक्टर्स हम प्ले कर रहे हैं, प्रेम सहगल, शाहनवाज खान और गुरबख्श सिंह ढिल्लो जो अमित, उनके रिलेटिव्स थे वहाँ पे, तो उनके फैमिली मेम्बर्स भी थे. हमने उनको भी कहानी दिखाई और उनकी तरफ से जब एक कॉम्प्लीमेंट मिला और उन लोगों ने आके हमें हक किया और यू नो, उन्होंने बोला आपने इतनी ऑथेंटिकली ये कहानी दिखाई है, ज़्यादा छेड़छाड़ नहीं की, तो वो आई थिंक सबसे बड़ा स्टैंप ऑफ अप्रूवल है हमारे लिए. एटलीस्ट पहला स्टैंप ऑफ अप्रूवल तो वही था कि उनके फैमिली मेम्बर्स ने कहीं पे यू नो, हमें एक हरी झंडी दी. जैसे अभी आपने कहा कि कोई चेंजेस नहीं हुए सीन प्ले करने में, तो हिमांशु जी ने कहा था कि कोई भी सीन प्ले कर रहे हैं तो उन्होंने कहा था हमने प्रूव दिया है कि बुक से लिया गया. जी बिल्कुल. तो एनी काइंड ऑफ चेंजेस वाज देयर लाइक इमोशंस, एक्शन था ऐसा? नहीं, देखिए जैसे
नहीं देखिए, उनके जैसे उन्होंने कहा कि ये बहुत ही ऑथेंटिक कहानी है, और ऐसा मुझे लगता है हमारे देश में बहुत कम होता है कि आप हिस्ट्री के बारे में एक कहानी लेकर उसे ऑथेंटिक रखें। हम थोड़ा उसको कमर्शलाइज कर देते हैं, उसमें मिर्च मसाला डाल देते हैं। ये बहुत ही ऑथेंटिक रखने की कोशिश की गई है। इसमें थोड़ा बहुत ऑफकोर्स लिबर्टी ली गई है सिनेमैटिक, क्योंकि जब कैरेक्टर्स आपस में बात करते हैं वो क्या बात कर रहे थे वो जानना मुश्किल है, तो उसमें ऑब्वियसली लिबर्टी ली गई है। दूसरी लिबर्टी तिग्मांशु सर ने ली है कि एक जर्नलिस्ट का कैरेक्टर है, उन्होंने क्या किया है कि बहुत सारे जर्नलिस्ट के कैरेक्टर को मिलाकर एक जर्नलिस्ट किया है, तो एक वो फिक्शनल कैरेक्टर उन्होंने क्रिएट किया है जो कहानी को थोड़ा आगे बढ़ाता है। अब तीनों के कैरेक्टर में अंदर सुनना है, एक है जो ज़्यादा कॉमेडी है, ज़्यादा मस्ती मजाक है, एक बहुत सीरियस है जी। तो आप दोनों का कौन सा किरदार है, आप कौन सीरियस है, कौन मस्ती कर रहे हैं? जी मैं शाहनवाज खान प्ले कर रहा हूँ, जो सीरियस कैरेक्टर है। लेकिन सीरियस मतलब ऐसे सीरियस नहीं है कि मायूस हैं या दुखी या परेशान हैं, ऐसे सीरियस नहीं है। वो ऐसा है कि एक तो जनरल हैं तो उनका ओहदा थोड़ा सीनियर है, दूसरा वो जब भी कुछ कहना चाहते हैं या कुछ करना चाहते हैं बड़ा सोच समझ के करते हैं, तो ऐसा नहीं है कि स्पॉन्टेनियस हैं एकदम से कुछ कर लिया। वो सोचेंगे उसके बारे में, फिर ध्यान से जवाब देंगे। अगर आप उनको कुछ पूछेंगे भी तो ऐसा नहीं है कि एकदम से जवाब दे देंगे आपको, सोच समझ के बात करते हैं। तो एक बहुत ही मेजर्ड, बहुत ही डिसिप्लिन्ड लीडर के तौर पर उनका कैरेक्टर है। ओके, कुणाल इसके पहले भी जैसे कि हमने देखा आपने पेट्रॉइड मूवी की है रंग दे बसंती जी, तो उसको लोगों ने इतना प्यार, ये लव मिला उसको इतने ज़्यादा, अभी एक्सपेक्टेशन इस मूवी से कितनी आपकी? जी इस पिक्चर से एक्सपेक्टेशन तो बहुत है। एक्सपेक्टेशन यही है कि लोगों को पसंद आए पिक्चर, और जैसा मैंने कहा कि हमारे इतिहास का बहुत ही अहम पन्ना है, मैं चाहता हूँ कि लोगों को पता चले कि हमारी आज़ादी में क्या क्या स्ट्रगल हुआ है, कितनी लोगों ने अपनी जान गंवाई है। और इसके अलावा मेरा मानना है कि ये बहुत ही एंगेजिंग और एंटरटेनिंग कहानी है। तो बहुत कम ऐसा होता है कि आपको एक ऐसी स्क्रिप्ट मिले जो ना सिर्फ आपको एंटरटेन करे, एंगेज करे, लेकिन एट द सेम टाइम आपको एक अपनी हिस्ट्री के बारे में बहुत ही अहम कहानी बताए। तो मेरा मानना है कि ये वो स्क्रिप्ट है, और मैं उम्मीद करता हूँ कि लोगों को पसंद आएगी। तो ये सच्ची घटना पे बेस्ड है, ऑब्वियसली सच्ची घटना को पोर्ट्रे करना पूरी बहुत डिफिकल्ट होता है, तो आप लोगों ने इतनी हार्ड वर्क किया? हम लोगों ने हार्ड वर्क तो बहुत किया, क्योंकि हम तीनों के जो कैरेक्टर्स हैं, मेरे, कुणाल और अमित के, और जो कैरेक्टर्स हम प्ले कर रहे हैं वो हमसे बहुत हटके हैं। तो अगर मैं अपनी बात करूँ तो प्रेम सहगल का जो कैरेक्टर था वो यू नो एक बहुत अच्छे फैमिली से था, एक खाते पीते घर से था, उनके फादर लाहौर हाईकोर्ट के जज थे, और उसके बावजूद भी जब उनको मौका मिला उनने ब्रिटिश आर्मी को छोड़ के इंडियन नेशनल आर्मी ज्वाइन की अपने देश के लड़ने के लिए, तो उनकी जो साइकी थी उसको समझना बहुत ज़रूरी था कि वो सब कुछ होते सोते इतना बड़ा कॉम्प्रोमाइज़ क्यों करेंगे। वो पैशन को समझना ज़रूरी था कि वो यू नो ये अपॉर्चुनिटी जब उनको मिली तो उन्हें अपॉर्चुनिटी क्यों ग्रैब की। तो दैट वाज व्हाट विच वाज यू नो इम्पॉर्टेंट। पर उसके बाकी जो बिकॉज पीरियड फिल्म थी तो फिजिकैलिटी पर काम करना था, बॉडी लैंग्वेज पर काम करना था, एक्सेंट एक अलग था क्योंकि नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर का कैरेक्टर था। उसके बाद हमने जो डॉक्यूमेंट्रीज देखी कुछ पिछले, उनसे इन्फॉर्मेशन गेन की, फिर अपने फैमिली के पुरानी एल्बम्स में गए, वहाँ पे मैंने अपने ग्रैंडफादर, अपने नाना दादा, उन सब की फ़ोटोज़ को देखा, उसमें से यू नो कुछ चीज़ें निकालने की कोशिश की, और फिर मिक्स करके ये कैरेक्टर तैयार किया। जी नहीं, मुझे लगता नहीं कोई प्रेशर या कुछ। आपको लग रहा है हमें कोई प्रेशर है? प्रेशर तो ऑब्वियसली नहीं है। देखिए ये मुझे लगता है कि इनएविटेबल है, क्योंकि अब आप कोई भी हफ्ते में देखें तो 3-4 पिक्चरें रिलीज़ हो रही हैं, चाहे वो हिंदी पिक्चरें हों चाहे हॉलीवुड की पिक्चर हो, कोई ना कोई क्लैश तो होगा ही होगा। तो इन सब चीज़ों के बारे में सोचना फालतू है, और मैं चाहता हूँ कि हमारी पिक्चर अच्छा बिजनेस करे, लोग अप्रिशिएट करें, लेकिन साथ में बाकी पिक्चरें भी अच्छा बिजनेस करें। तो आप फ्राइडे को हमारी पिक्चर देखिए, सैटरडे को दूसरी, और संडे को तीसरी देखिए। जैसे आप विन सोल्जर दोनों विन सोल्जर का रोल प्ले करते हैं, आई विन सुनने में आता है कि सड़क पे हमारे सोल्जर मर रहे हैं, उनकी दुख तकलीफों को बहुत कम देखा जाता है, तो आपने कितना समझा है ये रोल प्ले करके विन सोल्जर को, और कितना पहचाना है उनके दर्द को महसूस करके?
हमारा जो लेवल ऑफ रिस्पेक्ट है सोल्जर्स के लिए वो डेफिनेटली बहुत उठ गया है, बिकॉज आपने जब एक सोल्जर का रोल प्ले करते हो, जबकि हमने इंडियन नेशनल आर्मी का सोल्जर प्ले किया, अब इंडियन आर्मी हो चुकी है, पर बिकॉज हमने सोल्जर प्ले किया, हमने उनके डेप्थ को समझते हैं, उनकी यू नो वी अंडरस्टूड देयर सॉर्ट ऑफ हाउ द कॉम्प्रोमाइजेज दे डू. तो और इसी की वजह से हम परसों जैसलमेर जा रहे हैं, हम बॉर्डर जा रहे हैं और वहाँ पे हम सोल्जर्स के साथ कुछ टाइम स्पेंड करेंगे. हम वहाँ पे उनको अपने गाने दिखा रहे हैं, अपनी पिक्चर दिखा रहे हैं, उनको ट्रेलर दिखाएंगे, उनसे बातचीत करेंगे और एक तरह से हम चाहते हैं कि हमें उनका भी एक अप्रूवल और उनकी भी ब्लेसिंग्स मिले, बिकॉज यू नो इट विल मीन अ लॉट टू अस. बोल दीजिए भाई. 28 जुलाई को राग देश आ रही है, आप प्लीज़ जाए थिएटर में और ये पिक्चर को देखिए. ये बहुत मोटिवेटिंग और बहुत इंस्पायरिंग पिक्चर है और यू नो यू विल आल्सो बी एंटरटेन्ड. थैंक यू वेरी मच. थैंक यू सो मच. थैंक यू.